रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम होते हैं वह सब शनिदेव की वजह से ही होते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभार कोई मुश्किल काम चुटकियों में हो जाता है और कभी कभार कोई आसान काम भी बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं हो पाता। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति सही हो तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का जीवन हंसी खुशी व्यतीत होता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति हो तो इसकी वजह से उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। उसको अपने काम में सफलता नहीं मिलती। किसी न किसी वजह से अक्सर वह व्यक्ति परेशान रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है और एक राशि में शनि लगभग 2.5 वर्ष लगा देते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की राशि में शनिदेव की उपस्थिति है तो 2.5 वर्षों तक उसका प्रभाव रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के ऊपर शनि की महादशा, शनि की 7.5 या शनि की 2.5 का प्रभाव है तो उसके जीवन में उसे कई प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, अब आपके ऊपर शनि की 2.5 है, शनि का भारीपन है या फिर शनि की 7.5 है या नहीं, इसका आप कैसी पहचान कर सकती हैं, चलिए आपको बताती हैं। दोस्तों, बता दें कि इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिससे आपको इससे छुटकारा भी मिलता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की 2.5 चल रही है तो दोस्तों आप कुछ शनिदेव के उपाय करके आप इससे छुटकारा भी प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ, आप इन उपायों की सहायता से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और शनिदेव के क्रोध से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ऊपर भी शनि भारी रहता है उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगती हैं। जी हाँ, जिन लोगों के ऊपर शनि की 2.5 चलती है तो उनके सिर के बाल अचानक से झड़ने लगती हैं। ऐसे संकेत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 या फिर 2.5 चल रही होती है या शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां भी अचानक से उत्पन्न होने लगती हैं। अचानक उनके जेब से पैसा गिरने लगता है। अचानक उनके घरों के दीवार में दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। पति पत्नी के बीच कलेश होने लगता है और यह मामला अदालत तक पहुंच जाता है, अदालत तक बात चली जाती है। घर में भाई भाई का आपस में झगड़ा होने लगता है और आपस में हिस्सेदारी का बंटवारा होने लगता है। साथ ही साथ धन संपदा का नुकसान या कहीं आर्थिक स्थिति भी ऐसी व्यक्ति की बिगड़ने लगती है। ऐसे व्यक्ति के घर में प्रसन्नता भी अप्रसन्नता में बदलने लगती है। शनि के अशुभ प्रभाव होने की वजह से गलत रास्ते पर व्यक्ति जाने लगता है। यहाँ तक कि वह मांस मदिरा का सेवन करने लगता है। शनि की 2.5 होने से व्यवहार में उसके चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। मन में उसकी कई तरह के नकारात्मक ख्याल देखने को मिलते हैं। या दोस्तों, शनि के 2.5 होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत तरह के नुकसान का सामना भी करना पड़ता है।
लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि ऐसे लोग, जी हाँ दोस्तों आपको हम बता दें कि ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस भर जाता है, आलस इनके शरीर में भर जाता है और व्यक्ति को काम टालने की आदत होने लगती है। इतना ही नहीं, शनि के ढैया होने से और शनि के खराब स्थिति की होने की वजह से उनके कामकाज में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। बनता बनता काम भी व्यक्ति का बिगड़ जाता है। शनि खराब होने की वजह से स्वभाव में नकारात्मकता भी देखने को मिलती है। बाल नाखूनों का बढ़ना, दाढ़ी का बढ़ना और मांस मदिरा का खाने पीने का अधिक रुचि, अगर ऐसे लक्षण, ऐसे ही संकेत आपके जीवन में भी हैं तो दोस्तों ऐसी चीज़ों का आप तुरंत त्याग कर दें, नहीं तो आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि निरंतर बनी रहेगी। ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शनि की ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो, शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर से समाप्त हो, तो आपको ऐसे काम बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। यानी कि आपको आलसी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दिनों तक नाखून और दाढ़ी का बढ़ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा खाने से भी जितना हो सके आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं वजह से कई तरह की समस्याएं आपके घर में अचानक कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटनाएं कर जाती हैं। इंसान की नौकरी चली जाती है, बिजनेस व्यापार ठप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शनि की ढैया होने से कई प्रकार की नकारात्मकता देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप ऐसी चीज़ें अपने जीवन में देख रहे हो तो तुरंत सावधान हो जाएं और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय आप करें, ताकि आपको शनिदेव की ढैया से मुक्ति मिले और शनिदेव आपसे प्रसन्नचित रहें। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि कल से शनिदेव की ढैया कुछ राशि वालों के ऊपर से ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, इन राशियों को अब बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कल से शनिदेव इन राशि वालों से सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जिससे आप कलयुग के महाराज शनिदेव को प्रसन्न भी कर सकती हैं। जी हाँ, जैसे हनुमान जी की उपासना करना, शनि चालीसा का पाठ करना, शनि स्रोत का पाठ करना, सरसों का दान और काली उड़द का पीपल के जड़ में, काली उड़द पीपल के जड़ में डालना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, भगवान सूर्य देव की उपासना करना, सूर्य देव को जल देना, पीपल के वृक्ष की विधिवत पूजा करना, घोड़े की नाल अपने पास रखना और नीलम धारण करना, शनिदेव को इन सभी चीज़ों से, अगर आप ऐसा करती हैं तो शनिदेव को आप ऐसी चीज़ों से प्रसन्न कर सकते हैं। जो भी भक्त इन उपायों को करता है, भगवान शनि उनसे निरंतर प्रसन्न रहते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति शनिदेव का सबसे प्रिय मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रह स शनिश्चराय नमः का जाप करे, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम एक माला हर रोज़ जाप करे, ऐसा करने से भगवान शनिदेव उस व्यक्ति से ज़रूर प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, ऐसा करने से आपको शनि की ढैया से राहत मिलेगी और शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। अगर आप यह काम करते हैं, यह उपाय, इनमें से आप कोई भी उपाय अगर आप निरंतर कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में तमाम जो परेशानियां चल रही हैं वह सब भगवान शनिदेव एक चुटकी में दूर कर देते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी आपके घर में निरंतर वास रहता है। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव को पाना चाहती हैं और माता लक्ष्मी जी का अपने घर में वास चाहती हैं तो आपको इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों बता दें कि ज्योतिष की मत अनुसार
ग्रहों की चाल के कारण कुछ ऐसे संयोग कल सुबह बन रही हैं जिससे कि भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा कुछ राशि वालों पर होने वाली है। जी हाँ, और इन राशि के लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव की ढैया का असर अब कम होता हुआ दिखने वाला है। तो आखिर यह भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले हम मेष राशि की बात करें तो इस राशि के लोगों के ऊपर अब भगवान शनिदेव मेहरबान रहने वाले हैं। आपके घर में धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके दिन अब सही हो जाएंगे। आय कमाने के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। आपको इस दौरान संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। जी हाँ, बता दें कि वृषभ राशि के लोगों पर भी शनिदेव अपनी विशेष कृपा बनाए रखने वाली हैं। शनिदेव की कृपा आपके परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। आपके घर के कलेश दूर होंगे। अगर आपका कोई धन कहीं फंस गया हो तो वो अब आपको वापस मिल सकता है। प्यार के मामले में भी आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। छात्रों को इस दौरान परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है और आप अपनी मंजिल को पा सकती हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के लोगों के लिए भगवान शनिदेव अब इनके सभी कष्टों को हरने वाले हैं। शनिदेव इन लोगों पर काफ़ी अब मेहरबान रहने वाले हैं। इन जातकों के लोगों को काफ़ी धन लाभ होने वाला है और आपके घर में खुशियां अब दस्तक देने वाली हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अब मजबूत हो जाएगी। आपकी सभी इच्छाएं भगवान शनिदेव पूरी करेंगे। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि अब अगर हम मकर राशि वालों की बात करें तो इन जातकों के लोगों के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली समय रहेगा। इन लोगों को धन का लाभ तो होगा और अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी। आप इस दौरान नए आभूषण, वाहन और संपत्ति भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत अब हो रही है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि वाले लोगों के लिए ये संयोग बहुत ही शुभ होने वाला है। इस राशि के लोगों का भाग्य शनिदेव बदलने वाले हैं। आपके घर में हो रहे तनाव से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। परिवार में सुख और शांति का माहौल आपके लिए बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपको आर्थिक लाभ भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि अगली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, बता दें कि कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव अब मेहरबान रहने वाली हैं। आपके घर में इस दौरान धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके आय कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के लोगों को नौकरी की चिंता अब समाप्त होने वाली है। नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग आपके लिए बन रही हैं। इस राशि के लोगों को दोस्तों से व्यापार संबंधी अच्छी सलाह प्राप्त होगी। इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। घर में हो रहे तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। परिवार में इस दौरान सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस दौरान सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता मिलने की उम्मीद है। इसलिए जमकर आप मेहनत करें, फल की चिंता ना करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।